Excuse me, sir, I have a question too. This call is now being recorded. Yes, sure. Sir, would you please like to share all of these slides with your students? Yes, I do share. I share after the class. They have all the slides of lecture 1. And today the class, when the class ends, these slides, they will be sent to your group. Don't worry. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, so that day we were discussing Middle English period, now Old English period. Today we are talking about the Middle English period. So Middle English period isko kyun kaha jata hai? When Old English, jo ki Anglo-Saxon age mein thi, and the Anglo-Norman English, when they combine together, so that makes Middle English period. Anglo-Norman कौन सी थी? जो कि Normans जो आए, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इन लोगों ने जब आके एक अपने उस फ्रेंच के रूरल डायलेक्ट के साथ जो ओल्ड इंग्लिश को आपस में मिलाया, उसको जब एक जुबान को एक चेंज किया, तो वो जो एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक नया शेप जो हमारे सामने आई, दैट इज नोन एज मिडल इंग्लिश पीरियड. अब नाउ दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1100 to 1500. 1066 में बेसिकली हुई थी बैटल ऑफ हेस्टिंग, जिसमें विलियम ऑफ ऑरेंज, सो विलियम ऑफ ऑरेंज जो था, सॉरी विलियम द कंकरर, विलियम द कंकरर ही केम फ्रॉम नॉर्मैंडी. सो नॉर्मैंडी जो है अब एक प्लेस का नाम है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में बड़ी प्रोमिनेंट प्लेस थी, और नॉर्मैंडी कंक्वेस्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वॉर की एक दास्तान थी, जहां पे बड़ी, जिसे हम कहते हैं केम खरन की जंग, जो कि पाकिस्तान में हुई. ये ज़हन में रखिएगा कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन फाइट, बैटल एंड वॉर. फाइट होती है लोगों के दरमियान, बैटल जो है, बैटल इज पार्ट ऑफ वॉर. एक वॉर बड़े स्केल पे हो रही है, तो उसमें जो मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है वो बैटल है. लाइक 1965 की वॉर है, तो जो सियालकोट सेक्टर पे लड़ी जा रही है वो बैटल है, जो लाहौर में लड़ी जा रही है वो बैटल है, जो कश्मीर में लड़ी जा रही है वो बैटल है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली देयर ऑल पार्ट्स ऑफ सेम वॉर. सो वॉर जंग को कहते हैं, बैटल झड़प को कहते हैं. सो ये जो झड़प हुई नॉर्मैंडी में, ये बड़ी मशहूर थी. सो हम जिस झड़प की बात यहाँ पे करने जा रहे हैं, सो दैट इज लाइक जो 1066 में हुई, जिसमें नॉर्मन्स आए बेसिकली. सो नॉर्मन्स जो है, they came in 1066. William the Conqueror, जो कि विलियम 1 भी कहलाता है, क्योंकि वो एक तरह से फर्स्ट किंग था इंग्लैंड का, ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी था. तो ड्यूक, अर्ल, ये सारे टाइटल्स हैं जो थे, यानी एंग्लो सैक्सन्स, उसमें जो रूलिंग क्लास थी उसे अर्ल्स कहते थे, और जो जो क्लास डाउन ट्रोडन क्लास थी, लोअर क्लास, उसे चर्ल्स कहते थे, CHURLS, और ये EARLS. सो अर्ल एक टाइटल भी बन गया. सो अर्ल सिग्निफाई करता था किसी बड़े बंदे को, जिस तरह ड्यूक, अर्ल ये टाइटल होते हैं. सो ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी था ये विलियम द कंकरर, जो कि आया, इसने इंग्लैंड पे अटैक किया 1066 में, फ्रांस से आया. विलियम ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है, विलियम 1 भी कहा जाता है इसे. सो ये जो था, ये नॉर्दर्न फ्रांस से आया, नॉर्दर्न फ्रांस. अब जो नॉर्मैंडी है, नॉर्मन जो वर्ड है, नॉर्मन इन्वेजन, नॉर्मन वर्ड ही निकला है नॉर्समैन से. सो नॉर्समैन मींस नॉर्थमैन, वो लोग जो नॉर्थ साइड के रहने वाले बाशिंदे थे, शुमाली इलाके वाले. सो नॉर्समैन, नॉर्स, इनकी माइथोलॉजी भी बड़ी मशहूर है. थॉर जो एक मार्वल का कैरेक्टर है, आप उसके बारे में जानते होंगे, वो उनकी, जैसा ग्रीक की मिथ्स हैं, इस नॉर्स की अपनी मिथ्स हैं, केल्ट्स की अपनी मिथ्स हैं, हिंदूज की अपनी मिथ्स हैं. सो ये जो नॉर्स थे लोग, ये नॉर्थ में रहने वाले थे, और ये डिसेंडेंट्स से वाइकिंग्स के, जो कि फ्रांस में 200 साल पहले इनसे आबाद थे. वाइकिंग का एक सीजन भी आपने देखा होगा, वो सारी की सारी उसी जमाने की कहानी है. So, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने अपनी जो ओरिजिनल नॉर्स लैंग्वेज थी इसको अबंडन कर दिया, और होल हार्टेडली फ्रांस की जो लैंग्वेज थी, फ्रेंच, उसको अपना लिया. ये उसी तरह की वो एक, क्योंकि उस जमाने में कोई चीजों की डेवलपमेंट नहीं थी कि एक नेशनल लैंग्वेज है उसको फॉलो किया जाए. जो नेशनल लैंग्वेज थी, दैट वाज देयर, यानी फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती थी, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट वाज दिस के इतना चूंकि शऊर नहीं था लोगों को, इतना लाइक इंटरनेट वगैरह ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो जो छोटे इलाकों में रहने वाले थे, जो ट्राइब्स में रहने वाले थे जैसे वाइकिंग्स लोग, तो इनकी अपनी लैंग्वेजेस थी। ठीक है, अब जो इनकी अपनी लैंग्वेजेस थी उसमें इन्होंने उस लैंग्वेज को, यानी जो नॉर्स लैंग्वेज थी, ये याद रखिएगा, उसको छोड़ दिया और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरह से फ्रांस की उस लैंग्वेज को अपनाया जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, जो कि प्रीडोमिनेटली बोली जाती थी, लेकिन इन्होंने उस ओरिजिनल फ्रेंच को नहीं अपनाया बल्कि उसके एक रूरल डायलेक्ट को अपनाया। यानी अब ये मैं आपको इजी वर्ड्स में बताता हूं कि नॉर्समैन यानी नॉर्थ से आने वाले, ये जो विलियम और इसके साथी थे, इन्होंने इंग्लैंड पे अटैक किया, इंग्लैंड में बोली जाती थी ओल्ड इंग्लिश। जब ये नॉर्थ से आए तो इनकी अपना भी एक ट्राइब की एक लैंग्वेज थी जिसको नॉर्स लैंग्वेज कहते थे, इन्होंने उस लैंग्वेज को डिस्कार्ड कर दिया और इन्होंने फ्रांस की जो लैंग्वेज थी फ्रेंच, उसे अपनाया। अब ये क्या बोलते थे, ये उसका एक रूरल डायलेक्ट बोलते थे। वो मैं आपको बता दूं किस तरह, कि जिस अगर हम कहें कि अगर स्टैंडर्ड पंजाबी जो है वो हीर वारिस शाह में लिखी गई, या वारिस शाह की जो पंजाबी थी अगर हम कहते हैं वो स्टैंडर्ड पंजाबी थी, तो जो सरगोदा में बोले जाने वाली पंजाबी है वो उस पंजाबी का एक रूरल डायलेक्ट है। तो अगर सरगोदा वाली पंजाबी किसी मुल्क में हम ले जाते हैं और वहां की नेशनल लैंग्वेज बना देते हैं, तो वो पंजाबी का एक रूरल डायलेक्ट है जो हमने अपनाया। इस तरह इन्होंने फ्रेंच का एक रूरल डायलेक्ट अपनाया जिसको ये लेके फ्रांस आए और वहां पे इन्होंने ये डायलेक्ट्स जो थे इसको एज अ लैंग्वेज मुतारफ कराया। इसमें ये कि जो ब्रिटेन में जब इनकी इन्वेजन होती है, जब ये वहां पे आते हैं, सो वो जो एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो कहते हैं इंग्लिश को, यानी ये भी एक ध्यान में रखिएगा कि जो हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन्स की, एंगल वर्ड निकला है ओंगल से, दैट मीन्स हुक, जो कि मछली पकड़ने के लिए काम आता है क्योंकि ये लोग मछेरे भी थे। और जो सेक्सन है दैट कम्स फ्रॉम सीएक्स, दैट मींस सोर्ड्समैन, यानी लड़ाके जंगजू। सो उधर से जो वर्ड था एंगल, जिसको ONGLE भी लिखते थे, वहां से इसको उन्होंने शुरू में एंग्लो सेक्सन टाइम में एंगल लैंड कहा, जो कि बाद में इंग्लैंड बना वर्ड, तो ये वहां से आया। नाउ कमिंग बैक हियर, तो एंग्लो नॉर्मन जो फ्रेंच थी यानी इंग्लिश, और नॉर्मन फ्रेंच, क्यों कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल डायलेक्ट नहीं था फ्रेंच का, वो डायलेक्ट था जो कि उस कबीले ने अपनाया। सो ये जो इंग्लिश और ये जो नॉर्मन फ्रेंच, जब ये दोनों इकट्ठी हुई तो ये किंग्स और नोबिलिटी की जो लैंग्वेज थी फॉर इंग्लैंड, ये एक लंबा अरसा रही। अब इसमें ज़हन में रखने वाली बात यह कि प्रीडोमिनेंटली जो फ्रेंच लैंग्वेज थी या उसका जो रूरल डायलेक्ट इन्होंने अपनाया, दैट वॉज देयर फॉर used as official purposes, इसको ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किया, स्टेट में, कोर्ट में, लेजिस्लेशन में, और जो भी एक हाई अप्स की जो लैंग्वेज है, जिस तरह आजकल इंग्लिश को सुप्रीम लैंग्वेज समझा जाता है, तब इंग्लैंड में फ्रेंच लैंग्वेज को ये मुकाम हासिल था। और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको बिल्कुल एक जो ओल्ड इंग्लिश थी तब, एक घटिया मुकाम दिया गया, जो हम यहाँ पे मुख्तलिफ और लैंग्वेजेस के हिसाब से देखते हैं। उसने एक बुक डेवलप की लैटिन लैंग्वेज में। अब लैटिन लैंग्वेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इंग्लैंड में दो लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट थी इस टाइम में, और एक लैंग्वेज को खास इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। फ्रेंच इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो कोर्ट की लैंग्वेज थी, महल की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, और जो लैटिन लैंग्वेज थी वो चर्च की लैंग्वेज थी, चर्च की सारी प्रोसीडिंग्स, सर्मन्स वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए थे। और जो लैंग्वेज इसको इज्जत हासिल नहीं थी वो थी इंग्लिश लैंग्वेज। ये डूम्सडे बुक जो है ये उसने विलियम द कंकरर ने एक बुक लिखी थी जो बेसिकली एक रिकॉर्ड उसने मुरत्तब किया था इंग्लैंड का, और उस रिकॉर्ड में क्या था कि उसने सारे का सारा उसके लोग और ये जो पैमाइशें, जरी रकबा, हर चीज उसके अंदर मुरत्तब की। बाद में जो एक ये जो आई थिंक लार्किन की पोम है 1914 MXIV, यानी वो जो रोमन में उसने लिखा, उसमें भी डूम्सडे लाइंस का वो जिक्र करता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक थी उस जमाने की, जिसमें उसने इंग्लैंड का पूरा एक उसकी रिकॉर्ड कीपिंग की। अब जो पेजेंट्री थी, लोअर क्लास और किसान वगैरह, चूंकि वास्ट मेजॉरिटी थी पॉपुलेशन की, और हमेशा ये ज्यादा ही होते हैं, अमीर लोग तो कम होते हैं सोसाइटी में, जो कि तकरीबन 95% बनता था सोसाइटी का, तो ये लोग इंग्लिश बोलते थे। और उसमें जो कि नॉर्मन्स थे वो इसको लो क्लास लैंग्वेज समझते थे, वल्गर लैंग्वेज समझते थे, सो इसको वल्गर लैंग्वेज के तौर पे ट्रीट किया गया और इसके मुकाबले में जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसे इंपॉर्टेंस दी गई। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता एज अ टाइम पास्ट जो नॉर्मन्स और जो लोकल एंग्लो सेक्शंस थे वहां पे इनकी इंटर मैरिजेस हुई, आपस में इनका शादी ब्याह हुआ, और फिर यहाँ से जो एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच थी और जो ओल्ड इंग्लिश थी ये मिक्सअप होना शुरू हुआ, यानी इन दोनों को मिलाया गया, ये दोनों मिली और उसके बाद जो हमारे पास नई चीज सामने आई दैट वाज मिडल इंग्लिश पीरियड। तो ये ये बड़ी इस लिहाज से इसका यानी नाम की मुनासबत ये है। चलिए आगे अब हम देखते हैं कि आगे फर्दर क्या था इसमें। मिडिल इंग्लिश रोमांसेस लिखे गए। अब रोमांसेस, रोमांस डज नॉट मीन कि कोई लव अफेयर या मोहब्बत के किस्से लिखे जा रहे हैं। तो हम रोमांसेस की जब बात करते हैं उस जमाने में रोमांस वर्ड इस लिहाज से मशहूर था कि इट इंक्लूडेड बेसिकली द वॉर अफेयर्स, जिसमें नाइट्स, उनकी लाइफ, उनके किस्से, जंगें वगैरह वो दिखाई जाती थी। सो इसमें एलिट्रेशन यूज होती थी, मीटर्स यूज होते थे। 1225 से लेके 1500 के दौरान यहाँ पे ये मेन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे गए और जिनको बाद में कुछ जो मेन्यूस्क्रिप्ट्स थे अवेलेबल दरख्तों की शाखों, पत्तों पे, खालों पे लिखे गए होंगे, उनको सेव किया गया मॉडर्न ट्रेंड्स में। जो रोमांसेस थे उसमें किंग आर्थर बाय जेफरी ऑफ मॉनमाउथ, द वॉर ऑफ ट्रॉय, शाह मैगलन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट बाय ग्वेन, ये वो रोमांसेस थे जो उस टाइम में लिखे गए। अच्छा, इनके अलावा मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस। सो क्वीन एलिजाबेथ के दौर तक, यानी यहां से लेके मिडिल इंग्लिश पीरियड से लेके टिल द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, मोरालिटी और मिरेकल प्लेस परफॉर्म हुआ। अब मिरेकल प्लेस कौन से थे, विच आर ऑल्सो नोन एज मिस्ट्री प्लेस। इन प्लेस में क्या होता था बेसिकली, इन प्लेस में ज्यादातर यानी एक चीज आप क्वेश्चन एक आ सकता है इस हवाले से, ये आपको पता होना चाहिए कि शेक्सपियर के कैरेक्टर्स इतने ज्यादा फेमस क्यों हुए, या मॉलो के कैरेक्टर्स इतने फेमस क्यों हुए, ये जो एक एलिजाबेथन ड्रामा था क्यों उतनी उसे हाइप मिली, क्यों इतना पॉपुलर हुआ। तो उसका रीजन ये है कि ये जो मिरेकल प्लेस उससे पहले आए, या मिस्ट्री प्लेस जिन्हें हम कहते हैं, या फिर जो सेकंड फॉर्म थी मोरालिटी प्लेस, इनमें इंसान को तो दिखाया जाता था, परफॉर्मेंस तो होती थी, लेकिन इसमें इंसान की अपनी जातियात नहीं थी। यानी जिसका शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हैं, मैकबेथ है बड़ा एम्बिशियस है, ओथेलो जो है वो बड़ा लाइलक किस्म का इंसान है, और जो इसमें इसके बाकी कैरेक्टर्स हैं जो कि बड़े चालाक भी हैं, ख्वातीन बड़ी डोमिनेंट भी हैं, कहीं पे नहीं भी हैं, तो उनकी जो अपनी अच्छाइयां और बुराइयां, ये फर्स्ट टाइम एलिजाबेथन ड्रामा ने दिखाया कि किसी एक इंसान की अच्छाई बुराई जो कि वो खुद डिपिक्ट कर रहा है। मिरेकल और मोरालिटी प्लेस में ज्यादातर पर्सोनिफिकेशन यूज होती थी, ज्यादातर लोग किसी ना किसी चीज को पर्सोनिफाई कर रहे होते थे या किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। इनमें किसी एक शख्स की जात सामने नहीं आती थी। कुछ चर्च का भी रोल था, चर्च बहुत ज्यादा डोमिनेंट था, तो लोग ज्यादातर इस तरह के वर्क्स लिखते थे जिनसे जैसा विजडम पोइट्री थी कि थोड़ा सा नॉलेज मिले, थोड़ा सा मॉरल लेसन मिले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्ले थे जो कि उस टाइम में लिखे गए। हासल ऑफ प्रिजर्वेंस, विजडम, मैनकाइंड, एवरी मैन, ये इनमें ज्यादातर जो था इशू वो मोरालिटी और डायडेक्टिक प्लेस थे, ये जिनका मकसद इंसान को अच्छाई की तरफ लेके आना था। अच्छा, विलियम लैंगलैंड, सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड। सो लैंगलैंड जो था, ही इज लाइक एन ऑथर ऑफ वेरी ग्रेट पोम्स, लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पोम पियर्स प्लाउमैन, ये एलेगोरिकल वर्क है और ये पीपीएससी में बेहद दफा ये क्वेश्चन आया है कि पियर्स प्लाउमैन इज रिटन बाय विलियम लैंगलैंड, या विलियम लैंगलैंड का कौन सा वर्क है जो इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज पियर्स प्लाउमैन। So ये बाद में एडिटेड भी हुआ. जॉन गोवर वॉज अनदर पर्सन. उसकी कॉन्फेसियो अमांटिस बड़ी इंपॉर्टेंट पोम थी और ये बड़ी लॉन्गर स्केल पे यानी 33,000 लाइन्स की थी कॉन्फेसियो अमांटिस. और मिरो डी लॉ में जो कि लैटिन वगैरह में लिखी गई उसकी 29,000 लाइन्स थी. तो ये बड़े बड़े हैवी किस्म के फ्रेंच और लैटिन में ये लिखे जाते थे. चूंकि इंग्लिश लोग थे, इंग्लिश पोइट्स थे, तो ये वर्क इस मिडल इंग्लिश पीरियड में काउंट होता है. देन कम्स जेफरी चौसर. So Chaucer was a person who was an English poet or author, और greatest poet था Middle English का, और he is known for his Canterbury Tales, और उसको father of English literature कहा जाता है, father of English poetry कहा जाता है और father of English language भी कहा जाता है. So ये वो first poet था जिसको bury किया गया. ये word जो है अक्सर लोग buried पढ़ते हैं, that is buried. He was buried in Westminster Abbey, जो कि एक चर्च है, उसके साथ पोइट्स कॉर्नर, एक कब्रिस्तान में एक जगह है पोइट्स कॉर्नर, जहाँ पे सबसे पहले ये दफन हुआ. उसके बाद बहुत सारे लोग और भी वहाँ पे मदफून हैं जिसमें बहुत सारे पोइट्स शामिल हैं, राइटर्स, पोइट्स, जितने भी लिटरेरी पीपल. इसके जो वर्क्स हैं, द कैंटरबरी टेल्स, ट्रायलस एंड क्राइसीडा, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द बुक ऑफ डचेस और The House of Fame. लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है that is the Canterbury Tales, और बाकी किताबों के आपको नाम आने चाहिए. So this was basically the Middle English period, जो कि हम देखते हैं English society में. अब इसके साथ साथ इंटरलिंक है हमारे पास जेफरी चौसर, सो उसको देखते हैं एक नजर. जी, he was known for his courtly love poetry because इसमें दो बातें मैं इकट्ठी शेयर कर देता हूँ. एक तो courtly love poetry, secondly for his being the father of English literature. क्योंकि Chaucer was a person who was of great esteem and fame. He was renowned person. He was well known person. दुनिया जानती थी इसे. क्योंकि Edward III, Henry, Richard II और Henry IV, इन चार किंग्स को ये सर्व कर चुका था. इन्फ्लुएंशियल पर्सन था, एक डिप्लोमेट था. तो इसने कोर्ट में रह के रॉयल पैलेस, कोर्ट से यहाँ जो मैं करता हूँ ना, तो उस जमाने में कोर्ट जो था वो रॉयल उस महल को कहा जाता था. ये कोर्ट वो अदालत वाला कोर्ट नहीं है. सो रॉयल कोर्ट में चूंकि इसने सर्व किया थ्री किंग्स को, डिप्लोमेट रहा, पूरी दुनिया में गया, ये बहुत सारी दुनिया के हिस्सों में गया, और उसमें इसने यानी बहुत ज्यादा लोगों से इसकी मुलाकात हुई, गिरफ्तार भी हुआ. सो ये चौसर था, इसने जो जिस तरह देखा दुनिया को, इसने उसको डिपिक्ट किया. तो इसके जो कोर्टली रोमांसेस हैं, जो पोइम्स हैं, जो पोइट्री है, वो इस चीज की भी डिपिक्शन है कि द थिंग्स ही सॉ थ्रू हिज करियर एंड स्पेशली बीइंग इन द कोर्ट. और सेकेंडली ही इज नोन टू बी फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अब इंग्लिश लैंग्वेज तो मिडिल एंग्लो सैक्सन एज से चल रही है. एंग्लो सैक्सन एज गई, मिडिल इंग्लिश पीरियड आया, और इसमें जब ये आ रहा है तो इसको हम फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चौसर का जो ये वर्क था कैंटरबरी टेल्स, जिसको नॉवल भी कहते हैं लोग, इसको नॉवल भी कहा जाता है, इसको नॉवलिस्ट भी कहा जाता है पोइट को, और फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, पोइट्री, ये इसलिए कहा जाता है. इसमें सर्वत लोग लिख रहे थे इससे पहले भी इंग्लिश में, लेकिन इतना फेम किसी को नहीं मिला और कोई इतनी पोजीशन पे नहीं था कि उसकी वर्क्स को, उसकी राइटिंग्स को सीरियसली लिया जाता. अब देखें, एक बुक है जो कि प्राइम मिनिस्टर लिखता है, जिस तरह मुशर्रफ ने लिखी थी, इन द लाइन ऑफ फायर, ठीक है. और एक बुक है जो कि एक लाइक झारा साहब लिखते हैं, जो कि किसी महल में रहते हैं. अब वो झारा साहब की किताब नहीं बिकेगी इतनी, वो उतनी बिकेगी जिन्हें दुनिया उसे जानती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की किताब ज्यादा बिकेगी क्योंकि उसको दुनिया जानती है, मानती है, उसका नाम है, लोगों को पता है कि ये लिख रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी या इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगा. सो ये रीजन है यहाँ पे कि चौसर ने जो लिखा उसने इमोर्टलाइज कर दिया 14th सेंचुरी को. सो देखते हैं जेफरी चौसर को. अब चौसर जो था, ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी एस्टीम्ड पर्सन, कैंटरबरी टेल्स की वजह से मशहूर था और बहुत ज्यादा लाइक हाई क्लास राइटर, फिलोसफर. किंग्स को इसने सर्व किया, उसमें रिचर्ड III था, हेनरी IV था और एडवर्ड III, रिचर्ड II और हेनरी IV, ये जो किंग्स थे इनको इसने सर्व किया. These slides will be sent to you, so you don't need to go into much detail of it. इसकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पीपल आर अनश्योर. 1340s में कहीं पे ये पैदा हुआ, 41, 2, 3, 40 कुछ भी हो सकता है, बट ही डाइड इन 1400 AD. तो 1400 में इसकी डेथ होती है. अब चौसर का जो फर्स्ट थिंग अबाउट हिम दैट इज इंपॉर्टेंट इज चौसर्स ह्यूमनिज्म. Let me address this. Yes, Allegri. Ikra Aziz, if we talk about Allegri in morality plays, so Allegri is just like आप एडम और ईव का किस्सा बयान कर दो, फर्स्ट जो ओरिजिनल सिन जो कि बाइबल में जिस तरह है उसको बयान कर दो, या आप वो जो जिस चौसर ने सॉरी डॉक्टर फोस्टर्स में सिंस दिखाए गए डेडली सिंस उनको बयान कर दो. सो दीज आर एलेगोरिकल थिंग्स, जो इनका हिस्टोरिकल कोई रेफरेंस होता है उनको शो कराया जाता है. सो पर्सोनिफिकेशन भी थी और ये भी था, Allegri भी थी. So his writings show him to be an acute observer of the time and deft command on many literary genres. Undoubtedly was yes. Thank you very much, Asma Hamid. Yes, exactly इस तरह था. जो इसकी humanism है, humanism ये था कि जिसमें Allegri basically होता है जब आप किसी एक famous incident जो कि ज्यादातर religious या political level का होता है उसको आप show कराते हो किसी मॉडर्न टर्म्स में सिंबॉलिकली. सो दैट इज एलेगोरिकल थिंग. चौसर्स ह्यूमनिज्म. ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म है इंसानियत से मोहब्बत. अब चौसर ने 29 कैरेक्टर्स जो अपने डिपिक्ट किए, अब वो उनको दिखा रहा है और उनकी बुराइयां बता रहा है, अच्छाइयां बता रहा है, उनके लिबास के बारे में बता रहा है, उनकी हर चीज को खुल के बयान कर रहा है. तो बेसिकली वो उनको सटायर तो कर रहा है लेकिन वो मजाक नहीं उड़ा रहा उनका, वो फन पैदा कर रहा है पोइट्री के जरिए लेकिन वो उन कैरेक्टर्स का मजाक नहीं उड़ा रहा, वो बल्कि ये चाह रहा है कि उसकी सटायर के जरिए दिस मे बिकम लाइक अ मिरर टू द सोसाइटी. इसी तरह गलिवर्स ट्रेवल्स का जो है जोनाथन स्विफ्ट, उसको कहा जाता है कि ये मिसएंथ्रोपिस्ट था, हालांकि वो मिसएंथ्रोपिस्ट नहीं था, उसका कैरेक्टर लैमुएल गलिवर वो मिसएंथ्रोपिस्ट जरूर हो गया था. मिसएंथ्रोपिस्ट मींस अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमनकाइंड, ठीक है, लाइक थेरोपिस्ट होता है, थेरोपिस्ट मींस लाइक द ह्यूमैनिटी से, और फिलन कहते हैं लव को. सो फिलैंथ्रोपिस्ट अ पर्सन हु लव्स ह्यूमैनिटी और मिसएंथ्रोपिस्ट हु हेट्स ह्यूमैनिटी. सो दोस पीपल लाइक इसमें जो अगर हम कहें स्विफ्ट मिसएंथ्रोपिस्ट था, तो अगर वो मिसएंथ्रोपिस्ट होता तो वो कभी भी सोसाइटी के बारे में ना लिखता, क्योंकि मुझे अगर किसी से नफरत है तो मैं उससे बात भी करना नहीं पसंद करूंगा, मैं उसको क्यों बताऊं भाई तुम्हें ये बुराई है. स्विफ्ट ने बुराइयां बताई दुनिया की कि ये देखो यार ये तुम्हारे अंदर गलत है. सो वो भी एक तरह से ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट था. लेकिन चौसर के सटायर यूज करता है, आयरनी यूज करता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली ऑन द होल हिज ह्यूमनिज्म इज वेरी मच डेवलप्ड. वो उन लोगों को आईना दिखाना चाह रहा है. देन Chaucer's realism, the same thing which is said by Asma Hamid in her chat box. अब realism में Chaucer कहता है कि मैंने जो 29 characters देखे उनको मैंने ऐसे बयान किया, the way I have seen them, I have not like subtracted any detail, I have not added any detail. So I have depicted those characters the way I saw them on that pilgrimage. तो जिस तरह इसने उनको देखा, इसने उनको डिलिनिएट कर दिया, लिख दिया. सो ये इसका रियलिज्म है कि वो उसमें अपने सबसे लगाई बुझाई नहीं कर रहा, बल्कि कैरेक्टर्स को अकॉर्डिंगली उस तरह दिखा रहा है जिस तरह कैरेक्टर्स हैं. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव चौसर्स कैरेक्टराइजेशन. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसमें दो चीजें चौसर के जो कैरेक्टर्स हैं, नंबर वन दे आर इंडिविजुअल एंड दे आर टाइप. टाइप मीन्स टिपिकल. इंडिविजुअल और टिपिकल में क्या मतलब कि चौसर ने जो कैरेक्टर्स दिखाए, फॉर एग्जांपल उसने एक नाइट का कैरेक्टर दिखाया, एक स्क्वायर का दिखाया, उसने होस्ट उसके एक्सक्लूडिंग था. ये जो वो क्योंकि वो कहता ना देयर केम 9 and 20 कैरेक्टर्स. हालांकि ये अलग बात है कि जब आप गिनने बैठो तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस तरह, लेकिन वो जो कहता है कि मैं उस सराय में अकेला था, देन केम 9 and 20 in a company. सो कंपनी है मीन्स वो उस कंपनी में ग्रुप में 29 लोग आए, गिनने में मैं आज तक उनको पूरा नहीं कर पाया। अच्छा, तो यहाँ पे जो चौसर की कैरेक्टराइजेशन थी इसमें, अब जो नाइट का वो कैरेक्टर बताता है ये उन 29 में से था जो इसके साथ जा रहा था, स्क्वायर उसी नाइट का बेटा जो साथ जा रहा था, ट्रायरस जो उस ग्रुप में थी जिसके साथ एक 3 प्रीस्ट और एक उसकी यानी नायब प्रीस्ट, उसके साथ प्रीस्ट्रेस मौजूद थी। तो चौसर ने जो लिखा इंडिविजुअल मींस कैरेक्टर्स का होना क्या है कि उन लोगों के बारे में लिखा जो उसके साथ उस हज पे जा रहे थे। टिपिकल मींस कि वो प्रोयरस अब सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करी, प्रोयरस 14th सेंचुरी की तमाम प्रोयरसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। नाइट जो अकेला है वो इंडिविजुअल कैरेक्टर है, लेकिन नाइट उस जमाने के तमाम नाइट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सैलिटी है लिटरेचर की। जो डॉक्टर है वहां पे वो अकेला भी है, यानी उसका उसकी जात भी उसमें शामिल है, और वो डॉक्टर उस जमाने के डॉक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें जो हर बंदा इसने दिखाया, इसकी खूबसूरती है कि उसमें हर बंदे की अच्छाई, उस पूरी डिपार्टमेंट की अच्छाई, और हर बंदे की बुराई, उस डिपार्टमेंट की बुराई हमें नजर आती है। Second is cross section of society. Ab Chaucer was a man of royal court. He served there for a long time. He knew all the people. So उसने cross section means उसने society के हर बहुत ही गरीब बंदे को छोड़ दें, लेकिन प्लाउमैन की भी एग्जाम्पल हमारे पास है, उसने सोसाइटी के हर तबके से लोगों को इकट्ठा किया इस प्रोलॉग में, इस कैंटरबरी टेल में, और हर बंदा उसमें शामिल है। सो दैट टेल्स अस कि कोई मेन ऐसा सेगमेंट रह नहीं गया सोसाइटी का जो उसने मिस आउट किया हो। सो दैट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, के सोसाइटी का हर तबका उसने इसमें डिफाइन किया। यस, इट इज विदाउट होस्ट, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा गिनने में थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। चौसर सटायर एंड आयरनी, तो चौसर की आयरनी और सटायर बहुत ज्यादा मशहूर है। सटायर जो है वो कई कैरेक्टर्स में करता है ओपनली, जिसका समनर के ऊपर करता है, पार्टनर के ऊपर करता है, म्युनिसिपल के ऊपर करता है, और डॉक्टर के ऊपर करता है, कई कैरेक्टर्स के फ्रायर के ऊपर करता है। कई कैरेक्टर्स में ये बहुत ज्यादा आयरोनिकल हो जाता है, जिसका मंक के बारे में, स्क्वायर के बारे में, और सबसे आयरोनिकल कैरेक्टर इसका कौन सा है ये आप चैट बॉक्स में अगर लिख दें तो मुझे पता लग जाएगा, इफ यू कैन टाइप इट, द मोस्ट आयरोनिकल कैरेक्टर। The most ironical character by Geoffrey Chaucer is Troilus. Troilus जो है सबसे ज्यादा ironical character है, जो कि एक lady है, religious lady जो कि हज पे जा रही है। जी लाइबा ताहिर, वाकई इसके अंदर जब आप उन्हें काउंट करोगे तो कंफ्यूज होता है बंदा, होस्ट को निकाल दो, चौसर को निकाल दो, फिर भी मैंने जब भी काउंट किया मुझे वो 29 नहीं मिले। हालांकि 5 गिल्ड्समैन हैं, उसके साथ जो ट्रायरस है वो, उसके साथ 4 लोग और हैं, उनको शामिल भी कर ले तो बहरहाल ये बात की बात है। सो अब ये जो ट्रायरस है वो क्यों सबसे ज्यादा आयरोनिकल कैरेक्टर है, क्योंकि रिलीजियस लेडी है और गरीब बंदों को, इंग्लैंड के बंदों को रिलीजन सिखाती है फ्रेंच लैंग्वेज में, और फ्रेंच भी वो जो कि उसको सही बोलनी नहीं आती, एक नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट फ्रेंच का, और जो कि इंग्लिश लोगों को समझ नहीं आता। ये उसी तरह के मैं एक रिलीजियस लीडर हूँ, मैंने अगर कोई खुतबा देना है तो मैं एक गांव में चला जाऊं और उस गांव में जाके वहां पे मैं खुतबा देना शुरू कर दूं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो एक तो मुझे दीन की समझ नहीं है, ऊपर से उनको मेरी समझ नहीं आ रही, ऊपर से लैंग्वेज ऐसी है। सो इसका ये हाल था। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो ट्रायरस थी, उसका टेबल मैनर्स, उसका उठना बैठना बड़ा शहाना था। तो ये दो बात, ये एक इसमें एक साइड तो ये कि उसने रॉयल पैलेस में टाइम गुजारा, वो उधर जाने की शौकीन थी, लोग जाते भी थे, चर्च के लोग ज्यादातर टाइम वहां पे गुजारते थे, और उस वजह से वो उस तरह के रख रखाव के आदी थे। लेकिन एक और चीज जो हम बड़े मिस आउट कर जाते हैं वो ये कि ट्रायरस जो थी ये दैट कुड बी, यानी बताया नहीं गया, लेकिन शी कुड बी वन ऑफ दोज वुमेन, क्योंकि उस जमाने में भी नहीं हो कि जो लोग थे उस जमाने में इंग्लैंड में रूल्स बड़े फजूल थे, विरासत के कवानीन नहीं थे ख्वातीन के। तो अगर कोई भी खातून किसी भी तबके से रखने वाली, अगर उसकी उसका फादर, उसकी डेथ हो जाती तो उसे जायदाद में, घर में कहीं पे कोई हिस्सा जमीन में नहीं मिलता था और वो दर बदर की ठोकरें खाती थी। इसलिए हम इवन ये चलता रहा काफी लेट तक। जेन ऑस्टन के सारे नॉवेल्स में भी ऐसा है कि फादर चाहता है कि मेरी हयात में मेरी बेटियों की शादी हो जाए। ये बड़ा लंबा अरसा ख्वातीन बेचारी जलील होती रही इस हवाले से। तो ये प्रोयरस में भी ऐसी खातून हो जो कि किसी अच्छे रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती हो, लेकिन इसके फादर की डेथ के बाद इसको कुछ भी नहीं मिला, तो मजबूरन ऐसे लोग रिलीजन की पनाह में आ जाते थे क्योंकि रिलीजन इन्हें प्रोटेक्शन देता था। अब वो दिल से तो रिलीजन के लिए नहीं बनी थी, तो इसलिए वो रिलीजन में फिट इन नहीं हो सकी। जी, तकरीबन जो थे ये लाइक 30 जो कैरेक्टर्स थे, इन्होंने एक एक स्टोरी सुनानी थी, एक स्टोरी जाते हुए एक स्टोरी आते हुए, तो टोटल जो थी वो 60 टेल्स एक तरह से ये बननी थी। अच्छा, बहरहाल ये मुझे अभी शो ने एग्जैक्टली कि हर एक बंदे ने जाते हुए दो सुनानी थी या मेरे ख्याल में एक एक कहानी सुनानी थी, एक जाते हुए एक आते हुए। अच्छा, नेक्स्ट कमिंग टू This Chaucer, father of English language, we have already discussed कि जिस तरह वो influential था और उसकी works को पढ़ा गया, so that made him father of English language। इसके जो works थे उसमें Canterbury Tales था, Troilus and Criseyde था, Legend of Good Women, Parliament of Fowls, Book of Duchess और House of Fame। so ये Chaucer के important works थे। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वी कैन नॉट मिस आउट अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइम। वो जो टाइम था दैट इज वेरी लाइक यूनिक टाइम इन इंग्लिश हिस्ट्री बिकॉज इट वाज चेंजिंग सो मेनी थिंग्स एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। सो वी विल हैव अ क्विक ग्लांस ऑन द बैकग्राउंड ऑफ 14th सेंचुरी के 14th सेंचुरी में उस वक्त क्या चल रहा था, 14th सेंचुरी के हवाले से उस वक्त क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी या वो कौन से इश्यूज थे जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए, प्रोमिनेंट हुए। यस, ऑलमोस्ट ऑल द वर्क्स वर सैटिरिकल। उसमें आयरनी और सटायर तकरीबन इसने हर वर्क में यूज की है। अच्छा जी, कमिंग फर्दर, अब जो इसमें हमारे पास है जो बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड को आप देखो तो इसमें ये वाले हमारे पास मेजर इवेंट्स हैं जिसमें ब्लैक डेथ है, पेजेंट्स रिवॉल्ट है, 100 Years' War है, सोसाइटी कैसी थी और कैंटरबरी कैथेड्रल, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक डेथ। सो ब्लैक डेथ जो था इट जस्ट लाइक COVID-19, नॉट एग्जैक्टली जस्ट लाइक, ये तो मैंने बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर दिया। इट वाज फार मोर डेडली डिजीज। इस डिजीज में तकरीबन 75 से 200 मिलियन पीपल जो थे उनकी डेथ हुई और ये जो एक पेस्ट था उस बैक्टीरिया का पेस्ट, यानी एक पेस्ट जो कि बैक्टीरिया उसका जो क्रिएट करता था, उससे कंटेजियस भी था, हवा के जरिए भी, सांस के जरिए भी, हर लिहाज से ये फैलता था। इवन लंदन जो कैपिटल सिटी था उसके आसपास 20 लाख लोग मर चुके थे। दफनाने की जगह नहीं थी, डेड बॉडीज के ऊपर डेड बॉडीज पड़ी होती थी, लोग सड़कों में, गलियों में मरे पड़े होते थे और इसमें यस 1/3 पॉपुलेशन ऑफ यूरोप जो थी या दुनिया की थी जो वो खत्म हो गई थी। तो ये सिर्फ इंग्लैंड में नहीं था, ये यूरोप के बहुत सारे इलाकों में, नॉर्थ अफ्रीका में ये वबाई मूजी मर्ज आया और एक लंबी जो एक लाइन थी लोगों की वो एक तादाद मर गई। सो ब्लैक डेथ जो है इसका बड़ा रोल है जब हम डॉक्टर का कैरेक्टर पढ़ते हैं इसमें, और जब स्टार्ट में हमें बताया जाता है इंट्रोडक्शन जो कि चौसर के हवाले से है जिसमें when the opera will share certain and the drought of March has pierced to the rite, ये जो इसकी ओपनिंग लाइंस हैं उसमें भी ब्लैक डेथ के हवाले से बताया गया कि जो थॉमस बेकेट जिसने लोगों को सेव किया जब वो बीमार थे। नेक्स्ट इज वी हैव पेजेंट्स रिवॉल्ट। पेजेंट्स रिवॉल्ट क्या था कि एक तो ब्लैक डेथ आई और लोगों का फसलें तबाह हो गई क्योंकि लोग मर गए, किसान मर गए, काम करने वाले लोग नहीं मरे और उसमें यानी बचे, उसमें काम करने वाले लोग नहीं बचे, तबाही फैल गई। फिर ये हुआ कि उस ब्लैक डेथ के साथ साथ एक और जो इंसिडेंट आगे पढ़ने जा रहे हैं वो एक 100 Years' War। सो 100 Years' War हुई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इकट्ठी नहीं हुई, टुकड़ों में, लेकिन इशू वही रहा, चलती रही। उस वॉर का रिजल्ट ये निकला कि टैक्सेस लगे और बहुत सारी यानी जंगें हुई, उसमें तबाही हुई फसलों की, इलाकों की, खेतों की, किसान मारे भी गए। अब हुकूमत ने क्या किया, अपना खजाना भरने के लिए टैक्सेस लगा दिए। तो टैक्सेस जब गरीब लोगों पे लगे तो वो चीख खड़े हुए कि हम कहाँ से टैक्सेस दें, हमारी तो फसलें तबाह हो गई हैं, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे अपनी जमीन पे, तो हम किस चीज का टैक्स दें। तो बहरहाल उन्होंने रिवॉल्ट की हुकूमत के खिलाफ, रिवॉल्ट क्रश हो गई, लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट बन गया उस टाइम का। जॉन बॉल था उनका एक लीडर, जिसने कहा व्हेन एडम डेल्व्ड एंड ईव स्पैन हु वाज देन द जेंटलमैन। सो दैट मींस के जब हजरत आदम और हवा का जन्म हुआ तब इंसान इक्वल था, तब ये नहीं था कि ये गरीब और वो जेंटलमैन है, हर बंदा इक्वल था। लेकिन ये तबकाती तकसीम बाद में हुई है, तो जो बाद में हुई है इट मींस ये गलत है। तो इंसान बराबर है, तो तुम क्यों इनको अलग कर रहे हो। बहरहाल इस तरह के बहुत सारे नारे थे, लेकिन ये क्रश हो गई रिवॉल्ट। फिर 100 इयर्स वॉर स्टार्ट होती है जो कि 1337 से 1453 तक। अब ये बड़ी एक यानी मजाक खेज किस्म की बात है कि इंग्लैंड और फ्रांस जो है, इनकी बहुत सारी आपस में लड़ाइयां जो रही, मोस्टली बात पे रही जी के इंग्लैंड में हुकूमत कौन सा किंग करेगा, फ्रांस में हुकूमत कौन सा किंग करेगा। अब दो मेन, जैसा आपने अगर पढ़ा है गरीवस ट्रेवल्स, तो उसके अंदर हमें बताया गया दो पॉलिटिकल पार्टीज के तनाज़ात बताए गए, टॉरीज एंड विग्स, और उसमें हमें दो रिलीजियस क्लासेस बताई गई, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, जो कि लड़ते रहे आपस में। अब कैथोलिक्स जो थे वो और टॉरीज यानी रिलीजियस क्लास, रिलीजियस पार्टी, रिलीजियस जो जमात थी कैथोलिक, पॉलिटिकल जमात जो थी टॉरीज, ये आपस में इकट्ठे होते थे, और प्रोटेस्टेंट्स जो कि एक रिलीजियस क्लास थी और साथ जो पॉलिटिकल क्लास थी वेग्स, ये इकट्ठे होते थे। अब जब टोरी पार्टी और जो कैथोलिक्स थे, फ्रांस में भी कैथोलिकिज्म ज्यादा था, तो फ्रांस हमेशा चाहता था कि इंग्लैंड में कैथोलिक किंग आए और टोरीज की हुकूमत रहे। टोरीज जो थे और कैथोलिक किंग जैसा जेम्स II था 1688 में, ये हमेशा से फेवर करते थे फ्रांस को। जो थे विग्स या प्रोटेस्टेंट्स, ये हमेशा लड़ाई करते थे, उन्हें फ्रांस पसंद नहीं था क्योंकि वो उनका जो सेक्ट था वो इनसे डिफरेंट था। तो इंग्लैंड और ये हमेशा लड़ते रहे इसी बात पे कि भाई हुकूमत में हमारी मर्जी का बंदा आना चाहिए। और स्पेनिश, इवन स्पेन के अंदर कौन लीडर बनेगा, इन दोनों मुल्कों ने इस पर भी लड़ाई की हुई है, यानी राह जाते ये लड़ाई कर लेते थे आपस में। ये उसी तरह के मेरे घर सामने वाले घर में कोई मकान, मेरे सामने वाला मकान खाली हो रहा है, तो मैं अपने साथ वाले हमसाये से लड़ पड़ूं, वो कहे जी इधर मेरी मर्जी का बंदा आके रहेगा, मैं कहूंगा या मेरी मर्जी का बंदा आके रहेगा। भाई रहना उसने अपने घर में, लेकिन हम दोनों एमी एक दूसरे से इट कुत्ते का वैर कर रहे हैं। सो ये रीजन थी, इस रीजन, ऐसे रीजंस के ऊपर ये दोनों मुल्क 100 ईयर्स आपस में लड़ते रहे। सो 100 ईयर्स लड़ना, आपको पता है कि पाकिस्तान ने 17-18 डेज जो जंग की 65 में, हमारा एक तरह से यानी बस हो चुकी थी, यानी इतना ज्यादा हमारे पास अवाम एम्यूनेशन नहीं था, सही बात है। तो कहाँ से हम ये नेशंस जो थी 100 साल लड़ती रही, तो कितना इनका खर्च आया होगा, कितने बंदे मरे होंगे। तो इसलिए इन्होंने टैक्सेस लगाए थे जो कि पेजेंट्स रिवॉल्ट में हमने देखे। सोसाइटी जो थी, सोसाइटी बेसिकली मिलिट्री क्लास, उसमें हमें नजर आती है जो कि जंगों की वजह से बड़ी पॉपुलर थी। मिलिट्री हमेशा जंगों की वजह से हर जगह पे नंबर ले जाती है। बिजनेस कम्युनिटी थी, क्योंकि इंग्लैंड आहिस्ता आहिस्ता छा रहा था, दुनिया में जा रहा था, हर जगह पे काबिज हो रहा था, और बिजनेस था, फ्लोरिश कर रहा था इंग्लैंड से बाहर भी। चर्च जो था बहुत ज्यादा करप्शन का शिकार था, क्योंकि जो पादरी था उसे कहा जाता था कि ही इज सेकंड टू गॉड ऑन अर्थ, वो खुदा का नायब है, तो उसके खिलाफ तो किंग भी नहीं था जाता, तो उनको इसी वजह से बहुत ज्यादा रियायत हासिल थी। पार करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट, पार करप्ट्स एब्सोल्यूटली, उस वजह से ये लोग ज्यादा करप्शन का शिकार हो गए। तो चौसर ने जो 7 कैरेक्टर्स दिए हमारे हमें रिलीजन के, उसमें से 5 कैरेक्टर्स करप्ट हैं और 2 कैरेक्टर्स ठीक हैं। दैट टेल्स के 80% ऑफ द चर्च जो था वो खराब था, करप्शन का शिकार था, इन्हीं अमारात की वजह से, इन्हीं आसाइशों की वजह से, और तकरीबन 20% लोग थे जो चर्च में स्टिल अच्छे थे। विमेन जो थी हमें दिखाई गई कि विमेन बेचारी, उनके पास कोई असर रसूख नहीं था, कोई उनके पास फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन कुछ विमेन लाइक वाइफ ऑफ बैथ बहुत ज्यादा आउटस्पोकन और आउटगोइंग भी थी। कल्चर जो था बहुत ज्यादा चेंजिंग था। अब इसमें जो इसके कैरेक्टर्स हैं चौसर के, he tells us about A, B, C and D. उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसमें हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल A फॉर अपीयरेंस, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कलर एंड D फॉर ड्रेसेस. ये चार चीजें हम उनके अंदर देखते हैं उसके हर किरदार में जब वो उन्हें डिपिक्ट करता है. सो दे कम अक्रॉस फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं. एंड लैंग्वेज जो है बेसिकली जो कि इंग्लिश लैंग्वेज जिस पे फोकस किया गया, जो कि उस टाइम की एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास की लैंग्वेज थी. चूंकि ये 95% लोग थे तो चौसर ने इसको उस लैंग्वेज में लिखा कि मैं जिनके लिए लिख रहा हूँ वो समझे तो सही. सेम इज द केस विद वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स में, जिस तरह वो कहता है कि भाई मैं जिस आवाम के लिए लिख रहा हूँ उन्हें समझ ही ना आए तो क्या फायदा, इसलिए मैं अपने डिक्शन को बड़ा सिंपल रखूंगा. तो कोलरिज इसी पे उस पर क्रिटिसिज्म करता था. सो सेंट जो था थॉमस बैकेट. अब थॉमस बैकेट जो था ये कौन था? ही वॉज वेरी फायर्स सेंट ऑफ द टाइम और ये आर्च बिशप था कैंटरबरी का. और ये इसका जो आर्च बिशप होना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि कैंटरबरी कैथेड्रल वाज वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन रिलीजन. तो जो हेनरी था, किंग हेनरी II, जिससे मैंने बताया कि बादशाह नॉर्मली अगेंस्ट नहीं जाता था चर्च के, तो ये बादशाह लोग यानी रॉयल्स और ये जो जैसा फ्रायर का कैरेक्टर देखो तो अमीर लोग उसको करप्शन करके या कुछ भी करके हर गुनाह करके उसको पैसे देके अपनी बख्शिश करवा लेते थे. तो हेनरी II के मफादात के बीच में सेंट थॉमस बैकेट आ गया जिसने उसे वो गलत मकासद जो भी थे पूरे नहीं करने दिए, तो इसने उसको असैसिनेट करवा दिया, मरवा दिया. बाद में इसको एहसास हुआ कि मैंने बड़ा गलत काम किया, मुझे लोग इसके बहुत ज्यादा हमायती थे, तो इसने उसके लिए कैथेड्रल को बिल्ड किया, फिर उसके पास गया, हाजिरी दी उसने. ये वो कैथेड्रल है कैंटरबरी का जो कि बड़ा मशहूर है. फिर लोगों ने यहाँ पे हज के लिए जाना शुरू कर दिया उसकी शहादत के बाद, तो लोग अक्सर वहां पे जाते थे और यहाँ पे एक तरह से हज का फरीजा परफॉर्म करते थे. अब यही रीजन थी कि जी चौसर के जो कैरेक्टर्स हैं आदिल भाई, दैट इज ए बी सी एंड डी. ए मीन्स कि वो हर कैरेक्टर की अपीयरेंस बताता है, बी मीन्स वो हर एक कैरेक्टर का बिहेवियर बताता है, सी मीन्स वो कलर बताता है. कलर मीन्स के उनके कपड़ों के कलर कैसे थे, उनके घोड़े के कलर कैसे थे और उसके जूते के कलर कैसे थे. एंड डी फॉर ड्रेसेस, और वो ड्रेस भी बताता है. सो इसमें सिर्फ ड्रेस का यानी टाइप नहीं बताता बल्कि उसकी जो वैल्यू है वो भी बताता है. कि जिस तरह मंक के बारे में कहता है इसने इतने, हालांकि मंक जो होते हैं वो थ्रेड बार कोट पहना होता है उन्होंने, जो ओरिजिनल मंक्स होते हैं, लेकिन इसने बड़ा ही जबरदस्त किस्म का ऊनी कोट पहना हुआ था. सो इस तरह वो तनकीद भी साथ साथ करता जाता है. सो ये था जेफरी चौसर. अब जेफरी चौसर के हमारे पास अगर कैरेक्टर्स देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीन हमारे पास हैं मिलिट्री कैरेक्टर्स, जिसमें हमारे पास नाइट है वो इज अ गुड पर्सन, फिर उसका बेटा स्क्वायर ऑल टुगेदर डिफरेंट, और उनका मुलाजिम यमन जो कि अपनी जात का बिजनेस कर रहा है. ठीक है. नंबर 2 हमारे पास है रिलीजियस कैरेक्टर, जिसमें हमारे पास है सबसे पहले मंक फ्रायर है, फिर मंक है, प्रायरस है, सर्मन है, समनर है, पार्डनर है, क्लरिक है, और हमारे पास जो पार्सन है गुड पर्सन वो है. इसमें से पार्सन और क्लरिक हैं जो कि अच्छे कैरेक्टर्स हैं, बाकी सारे के सारे चर्च के अंदर करप्शन का शिकार हैं. हर एक ने मोस्टली उन्हें शिकारी कुत्ते पाले में चर्च के अंदर, हालांकि इनको पेट्स रखना अलाउ नहीं था और ये बाहर जाते हैं चर्च से, हालांकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाना अलाउ नहीं था. फिर हमारे पास मिडिल क्लास है जो कि राइजिंग मिडिल क्लास है जो कि बिजनेस क्लास है. तो बाकी सारे कैरेक्टर्स तकरीबन उससे ताल्लुक रखते हैं. उन सारे कैरेक्टर्स के अंदर हमें करप्शन नजर आती है सिवाय दो कैरेक्टर्स के अंदर. एक प्लोमैन जो कि पार्सन का भाई है, जो कि इंतहाई गरीब इंसान है लेकिन फिर भी वो दूसरे लोगों की मदद करता है और अपना काम बिल्कुल ठीक करता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी नजर में फ्रैंकलिन वो बंदा है जो कि किसी को तंग नहीं करता, वो जद्दी पुश्ती अमीर है, लोग उसके पास जाते हैं, अच्छे लोग भी जाते हैं, करप्ट लोग भी जाते हैं, वो सबको अच्छी तरह उनकी खातिर मदारत करता है. तो हमें उसके अंदर कोई बुराई नहीं दिखाई दी गई, लेकिन उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर करप्शन है. दैट शोज के तकरीबन जो कि आज हमारे मुल्क का हाल है कि सोसाइटी का कोई भी पहलू उठा के देख लें आपको करप्शन नजर आएगी, आपको हर बंदे के अंदर कहीं ना कहीं यानी हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं करप्शन किसी ना किसी सूरत में नजर आती है. जी, लाइबा ताहिर, रिलीजियस कैरेक्टर्स हमारे पास सबसे पहले मंक है, उसके बाद फ्रायर है, फिर ट्रायरस है, उसके बाद हमारे पास समनर है, पार्डनर है, पार्सन है, और मैं और स्टूडेंट है जो द क्लैरिक ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि उस रिलीजियस स्टूडेंट है। और इन कैरेक्टर्स में जो कैरेक्टर्स हमें नहीं बताए गए, जिनका सिर्फ मेंशन किया गया, वो चार कैरेक्टर्स हैं जो कि प्रायरस के एंड में बताए जाते हैं, जो प्रायरस के साथ आते हैं। सो प्रायरस के साथ आने वाले वो कैरेक्टर्स कौन से हैं? ये वो हैं जो कि बेसिकली यानी एक उसकी नन होती है जो कि उसकी नाइब होती है, और तीन प्रीस्ट होते हैं जिनके बारे में हमें डिटेल नहीं दिखाई गई। तो इसमें वो इसलिए नहीं दिखाई गई कि वो जब वो कहते हैं लाइक खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सो प्रायरस की कंपनी में तो वो सारे भी उतने ही हाजी हैं जितनी प्रायरस है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी जो जर्नल प्रोलॉग है, जो जर्नल प्रोलॉग है, इसको लेट मी शेयर दैट ऑन योर स्क्रीन। ये अगर आप कोई पुरानी मूवीज देखें जो कि बड़ी इस तरह के, या अगर आप इसको सुने इंटरनेट के ऊपर, सो यू विल रियलाइज के ये जो इनका एक तरह से प्रोनंसिएशन थी, दैट वाज वेरी डिफरेंट। सो ये जो प्रोनंसिएशन है इनकी 14th सेंचुरी इंग्लिश या उस जमाने की, उसको मैं आपको एक जल्दी क्विक वे में बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह की pronunciation in words की हुआ करती थी। One that April with the sharp satay and the drought of March has pierced to the rotay, and bathed every vein in such lacour, of which virtue and genderod is the flu. One Zafra seek with the sweaty breath hath inspired hath in every halt and heath. The tender cropus and the youngest sunny hath in ram his half your course running. And smaller fowls and making maladia that sleepen all near with open ear. So pricketh him Nahur in her courages, then lungen fugue to goon on pilgrimages, and palmers for to socken stronde, to fun halves court in sondre londes, and especially from every shears and day of England. To Canterbury there one day, the holy blissful Mathiah for to seek, that him hath holpen when that they were seeking. So यहाँ भी ये जिक्र हुआ उसका कि जब वो ब्लैक डेथ आई तो जो ब्लिसफुल माटाया यानी सेंट था बैकेट, उसकी दुआओं ने बड़े लोगों को सेहत याब किया। So this was basically the old English accent, या middle English accent. जी, Miss Mariam Rahman, they were 7. मैंने आपको बताया ना 7 characters हैं total. Monk, Friar, Friars, Sumner, Pardoner, और Parson, और the Cleric of Oxford. ये 7 characters हैं जिनके बारे में बताया गया, जिनके टोटल डिस्क्रिप्शन दी गई। वो जो 4 कैरेक्टर्स हैं जिनका नहीं बताया गया, वो भी रिलीजियस कैरेक्टर हैं, लेकिन वो उस प्रायरस की कंपनी में है। उनका सिर्फ हमें इस तरह बताया कि वो हैं, इस ट्रेवल में हैं, लेकिन उनकी डिटेल नहीं बताई गई। ओके जी, गोइंग फर्दर, सो नाउ वी हैव द लिंग्विस्टिक्स पोर्शन। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये लिंग्विस्टिक्स का। ये तो वो सारे के सारे आप समझें कि ये एमसीक्यूज ही हैं जो कि आपके पास मुख्तलिफ फॉर्म्स में आते हैं। सो आप में से जिनका लिंग्विस्टिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, उनको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी इनको अंडरस्टैंड करने के लिए। देखिए, आप में से ऑल ऑफ यू हु आर हियर इन दिस क्लास, सम ऑफ यू आर दोज गाइस जिनका लिंग्विस्टिक्स का बैकग्राउंड है, एंड सम ऑफ यू आर दोज जिनका लिटरेचर का बैकग्राउंड है। आप में से एमए वाले लोग भी जाहिर बात है यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने लिंग्विस्टिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी। आप में से बीएस वाले भी लोग हैं जिन्होंने स्पेशलाइजेशन लिटरेचर में या लिंग्विस्टिक्स में कर ली। लिंग्विस्टिक्स वालों को लिटरेचर में शायद प्रॉब्लम होती होगी, लिटरेचर वालों को लिंग्विस्टिक्स में प्रॉब्लम होती होगी। ऑल यू गाइस हैव गॉट दिस मोबाइल फोन, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आता, जस्ट सेंड योर वॉइस नोट एनी टाइम, ठीक है? whenever I am free, I'll be replying to that. आपको आपका इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा. So don't bother about it कि हमें इस चीज समझ नहीं आ रही. इस आपके लेक्चर्स भी मैं इसलिए आपके लिए हवाले कर देता हूँ. They will be available on Facebook और वैसे मैं आपसे वो शेयर भी कर देता हूँ. मैं अभी जब ये क्लास एंड होती है तो मैं इंशाल्लाह आपसे ये भी शेयर कर दूंगा. These things will be with you in shorter amount of time. Okay, so now starting the concepts of linguistics. अब जो हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक्स की तो उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कुछ इब्तदाई बातें जो कि स्टार्ट होती हैं स्विस लिंग्विस्ट फर्डिनेंड डी सॉस्यर से. So, कुछ सिशोर कहते हैं, कुछ सॉस्यर कहते हैं. So, Ferdinand de Saussure, born in 1853 and died in 1913. तो ये वो बंदा था जो कि फाउंडर है मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का. इसकी जो थ्योरीज थी वो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की बुनियाद है. इसकी जो बुक है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि उसकी किताब का क्या नाम है. सो दैट द कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक्स, अ कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक्स, ये इसकी बुक का नाम है. लेकिन आपको ये याद रहे कि ये बुक इसने खुद नहीं लिखी थी. उसके लेक्चर से जो उसने दिए, उसकी डेथ के बाद जो उसके स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसको इकट्ठा किया और इसको एक बुकिश फॉर्म दी. ओके, सो लेट्स सी व्हाट दोस कॉन्सेप्ट्स आर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन. अब साइन क्या है? बेसिकली साइन ये कि आपको स्क्रीन पे ये मेरा जो लोगो है चैनल का, ये रेड कलर में नजर आ रहा है. सो रेड इज द साइन ऑफ डेंजर. रेड में बी अ साइन ऑफ लव. तो किसी के लिए ये डेंजर का साइन है, किसी के लिए ये लव का साइन है. ग्रीन जो साइन है दैट इज सिंबल ऑफ सिरेनिटी, दैट इज सिंबल ऑफ विक्ट्री या क्लियरेंस, कि एक चीज क्लियर है. ग्रीन सिग्नल मींस क्लियर, वहीं पे रेड सिग्नल मींस स्टॉप. ठीक है, तो आप थोड़ा सा पानी देते हैं, दैट इज अ सिंबल के, यस दैट इज अ साइन कि आप रजे पुजे हुए हैं. आप वाइट जो है कहीं पे, आप देखें पीके मूवी को देखें, वो पीके जो होता है बेचारा वो क्यों कंफ्यूज होता है. कहीं पे व्हाइट जोड़ा जिसने पहना है वो बेवा है, कहीं पे व्हाइट जोड़ा जिसने पहना है उसकी शादी हो रही है. तो वो इसलिए परेशान होता है कि उसको ये सारे साइंस समझ नहीं आ रहे होते, और वो सारे साइंस मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ लोगों की परसेप्शंस हैं. यस, दैट्स हाउ वी परसीव द थिंग. सो इन इट इज आवर परसेप्शन. ये चीज स्टार्ट ऐसे हो रही है, इट इज आवर परसेप्शन, ये हमारी परसेप्शन है. और हाउ वी व्यू दिस थिंग टुगेदर विद द साउंड सिस्टम ऑफ आवर लैंग्वेज दैट क्रिएट्स द टू पार्ट मेंटल लिंग्विस्टिक यूनिट ही रिफर्ड टू एज साइन. तो सॉस्यर क्या कहता था कि एक तो हमारी परसेप्शन है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं. सेकेंडली टू पार्ट मेंटल इमेज है. टू पार्ट मेंटल इमेज क्या है? एक राइटिंग में हम एक चीज, एक साइन का नाम लिख देते हैं और एक हम उसको बोल देते हैं. मसलन एक साइन क्या है? फॉर एग्जांपल फैन. अब पंखे के बारे में जब भी हम सोचेंगे, पंखा क्या है? पंखा वो चीज है जिसके तीन पैर हैं जो हवा देते हैं. ठीक है, अब उसमें जो उसका यानी ये पंखे का नाम सुनते ही हमें उसकी जो मुख्तलिफ हमने उसके जो पढ़ी हैं लिंग्विस्टिक्स में कि उर्दू में पंखा कहते हैं, इंग्लिश में फैन कहते हैं, पंखा ऐसे लिखते हैं, फैन FAN लिखते हैं, ये सारा हमारे जहन में क्लियर हो जाता है. तो ये उसके वो लिंग्विस्टिक्स के टू पार्ट मेंटल लिंग्विस्टिक यूनिट, ये वो हैं कि एक रिटन में एक ओरल में. अब टेंशन क्या होती है कि मैं आपको अगर एक चीज दिखाऊं जो कि पंखे की तरह बनी है लेकिन उसमें तीन पार नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है. मैं कहूंगा ये फैन है, आप थोड़ा सा आप कहोगे परेशान हो गए कि नहीं यार ये चवले मारे हो, ये फैन कैसे हो सकता है. क्योंकि हमारे माइंड में जो साइन है फैन का वो ये है कि उसके तीन पर होने जरूरी हैं. लेकिन आजकल ऐसे फैंस हैं जो कि उनके आसपास एक रिंग है, उस रिंग से भी हवा आती है तो वो भी फैन है. लेकिन चूंकि हमने सोचा है कि तीन परों वाला फैन होगा इसलिए वो हमारा जो साइन है बेसिकली वो कंफ्यूज हो जाता है. अब जो साइन है ये इसके आगे फिर दो लेवल्स हैं, यानी साइन इन दो चीजों से मिलके बना, सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर. और ये जो साइकोलॉजिकल हैं, ये इसमें क्या बेसिकली जो सिग्निफायर है, सिग्निफायर इटसेल्फ SIGNIFIER, ये मैं से हाईलाइट कर देता हूं, दिस वन, ये मटेरियल फॉर्म है। मटेरियल फॉर्म मींस समथिंग जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिग्निफाइड क्या है, उसकी जगह, उसके बरक्स ये एक मेंटल इमेज है। अब ये चीज जो है, दिस इज अ मोबाइल फोन, ठीक है। मोबाइल फोन की ये जो इटसेल्फ जो मोबाइल फोन है, दिस इज व्हाट, ये इसको मैं टच भी कर सकता हूं, इसको मैं यूज कर सकता हूं, ये हमारा सिग्निफायर है, ठीक है। सिग्निफाइड क्या है, वो मेंटल इमेज जो हमारे माइंड में है। मेंटल इमेज क्या है कि मोबाइल फोन, अच्छा ठीक है, इतना छोटा सा होगा, उसके अंदर कोई बटन होंगे या टच स्क्रीन होगी। अब जब तक टच स्क्रीन वाला मोबाइल नहीं आया था या वीडियो कॉलिंग नहीं आई थी, तब तक हमारे सिग्निफाइड में भी मौजूद नहीं था, तब हमारे मेंटल इमेज में भी नहीं था। अब हमारे मेंटल इमेज, आपको याद होगा PTV 2 के ड्रामे हुआ करते थे, PTV के, यहाँ से एक फोन उठाया, यहाँ से फोन उठाया, स्क्रीन बीच में सीधी हो जाती थी, वो ऑडियंस को दिखाने के लिए। तो हम तब सोचते थे कि यार ये जमाना क्या आएगा कि हम एक दूसरे से बात करें और वीडियो पे करें। तब हमारे माइंड में वो सिग्निफाइड वाला कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं था कि एक गैजेट हमारे हाथ में होगा। अब सिग्निफायर जिस तरह हमारे पास एक मेंटल, एक ठोस चीज है, और सिग्निफाइड जो हमारा एक मेंटल इमेज है, उन दोनों को अलाइन कर दिया गया। सो नाउ वी नो कि ये चीज पॉसिबल है। सो साइन इज अ लिंग्विस्टिक यूनिट, एक जो कि मिल के बनता है बेसिकली सिग्निफायर के साथ और सिग्निफाइड के साथ। अब इसके दो कॉन्सेप्ट्स और हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट हैं, दैट इज लैंग एंड पैरोल। लैंग क्या है? लैंग इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, ऑल द पॉसिबल रूल्स दैट मेक अप लैंग्वेज इन थ्योरी। पैरोल क्या है? दैट इज how these rules are put into action by the speakers of that. Excuse me, sir. जी. Sir, many teachers pronounce this word as log, log and parole. Okay, pronunciation can be different. मैं इसको एक बार दोबारा check करूँगा, लेकिन I guess मैंने लैंग सुना, लेकिन ठीक है. Okay, so इसमें हम जो मैं इसमें आपको एग्जांपल देने के लिए एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। मीनवाइल मैं इसको टेस्टिफाई भी कर लेता हूं, लैंग को, कि अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, इसकी इंग्लिश क्या है? इफ ही विल कम देन आई विल गो। जी, एनीवन एल्स? जी बोले। आई विल गो व्हेन ही विल कम्स। इफ ही माइट कम आई विल गो। व्हेन ही कम्स आई विल गो। जी, ठीक है। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये जिन्होंने ये लिखा, इफ ही कम्स आई विल गो, दैट इज करेक्ट। सो ये जो वर्ड है, दैट इज लैंगो, ठीक है, लैंगो है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है। अब ये जो है, इफ ही कम्स आई विल गो, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। इसका मतलब क्या है कि आप, बहुत सारे लोगों को शायद इसका, मेरी आवाज मुझे रीसाउंड कर रही है, काइंडली अपने अपने स्पीकर्स ऑफ कर दें। अब आप में से जितने लोगों ने, जिनको इस बात का नहीं पता, जिनको इतना या इसका नहीं पता कि अगर हम पास्ट में फ्यूचर की बात करनी है, कि उसने बताया कि वो लाहौर जाएगा, ही सेड और ही टोल्ड दैट ही वुड गो टू लाहौर, जिनको इस चीज का या इस रूल का नहीं पता, इट मीन्स कि उनका जो वो लैंग गो है या लैंग जो है, उसके अंदर, लर्निंग के अंदर कुछ इश्यूज हैं। इसीलिए जो पैरोल है उसका, उसके अंदर भी खराबी मौजूद है। मैं अगर कहता हूं कि आई गो टू, और कि मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं आई गोस टू स्कूल, ही गो टू स्कूल, he do get it, I does get it. It means कि वो जो लैंग्वेज के पॉसिबल रूल्स हैं वो मेरे पास सही तरह मेरे माइंड में अवेलेबल नहीं है. इसीलिए जो पैरोल है, जो कि उसकी प्रैक्टिस है, जो कि उन रूल्स को एक्शन में लेके आना, उसमें खराबी है. तो सॉसियर के मुताबिक जो लैंग्वेज था दैट वाज दैट सेट ऑफ रूल्स जो कि हमारे माइंड में होते हैं, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और पैरोल क्या है, वो उसकी परफॉर्मेंस है जिस तरह हम उन चीजों को यूज करते हैं प्रैक्टिकली. इसी के साथ एक और उसकी जो इंपॉर्टेंट टेक्निक जो उसने बताई दैट वाज सिंटैग्मैटिक एंड पैराडिगमैटिक रिलेशनशिप्स. अब सिंटैग्मैटिक और पैराडिगमैटिक रिलेशनशिप्स क्या हैं, ये भी सॉसियर के मुताबिक इट इज आल्सो लाइक अ रिलेशन. सिंटैग्मैटिक इज चेन रिलेशन. चेन रिलेशन मींस कि जैसा चेन, एक चेन आगे लगी है फिर एक चेन लगी है, जैसा चेन्स आपस में एक कोहेरेंस होती है, तो वो जो चेन रिलेशनशिप उसे सिंटैग्मैटिक रिलेशन कहते हैं, जिसे सिमेंटिक रिलेशन भी कहते हैं. और ऑन द अदर एंड पैराडिगमैटिक क्या है, ये एक चॉइस रिलेशनशिप है, एक सब्स्टिट्यूशन रिलेशनशिप है. अब यहाँ पे सिंटैग्मैटिक जिस तरह सही बताया आपने कि ये सिंटैक्स से रिलेटेड है, एक सिंटैक्स का रिलेशन है. जिस तरह अब मैं एक आपसे कहता हूं कि आप मुझे इसकी ट्रांसलेशन दे कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल. आप ये नहीं कहेंगे आई इज गोइंग फॉर स्कूल. आपको पता है कि आई के बाद एम आना है, ठीक है. ये एक चेन बन रही है उस टेंस के हवाले से. आई एम गोइंग, गो प्लस आई एन जी टू, क्योंकि ये वाली हमारे पास आएगी प्रीपोजिशन स्कूल. ओके, अगर मैं कहता हूं कि मैं घर जाता हूं, आई गो टू हाउस और आई गो टू होम, क्योंकि आई है जाता हूं, गो आएगा फिर टू आएगा, होम या हाउस लगाएंगे. अब ये एक प्रॉपर चेन रिलेशनशिप है. ये चेन रिलेशनशिप क्या बताता है हमें कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस. जब आप में से बहुत सारे लोग टीचर हैं, आप जब बच्चों के पेपर चेक कर रहे होते हैं तो ग्रामर की गलतियां निकलती हैं, सेंटेंस की गलतियां निकलती हैं, आप वो हाईलाइट कर देते हैं. क्यों? क्योंकि दैट सिमेंटिक रिलेशन इज नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर. वो सिमेंटिक या सिंटैक्टिक रिलेशन या वो जो सिंटैग्मैटिक ऑर्डर है वो सही नहीं है. बच्चा लिख रहा है कि असलम डज नॉट क्लीन्स द टेबल, तो आप वो काट देते हो कि असलम डज नॉट क्लीन आएगा, क्लीन्स नहीं आएगा. या एक लिखता है आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल, आप लिखोगे आई डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि दैट इज प्रॉपर सिंटैग्मैटिक ऑर्डर. प्रॉपर चेन रिलेशन या सिमेंटिक रिलेशन तब बनेगा. सेकंड जो है पैराडिगमैटिक, पैराडिगमैटिक इज चॉइस रिलेशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन. जिस तरह बच्चा जो है लैंग्वेज को सीखता है तो नॉर्मली वो भी इस पैरामीटर को देखता है, और इसी की बेस पे हम अपने टेंसेस जब सिखाते हैं लोगों को या लैंग्वेज सिखाते हैं तो इसी को सामने रखते हैं. आई गो टू स्कूल, अब आई को चेंज करते जाएंगे, आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, इट गोज टू स्कूल, असलम गोज टू स्कूल. अच्छा, तो इसको आई वाले हमने प्रोनाउन सेट को चेंज कर लिया. वर्ब को भी चेंज कर सकते हैं, आई प्ले, आई ईट, आई रन, आई स्लीप, आई केक, आई वर्क, ठीक है. फिर आई गो टू वाले सेंटेंस को ले लें तो टू, जो टू की हमारे पास आ रही है एक चेन जिसमें प्रीपोजिशंस लगानी है, उनको हम चेंज कर सकते हैं. आई गो टू स्कूल, आई गो फ्रॉम स्कूल, आई गो इनसाइड द स्कूल, तो ये भी पॉसिबल है. फिर आई गो स्कूल को चेंज कर लें, आई गो टू स्कूल, आई गो टू मॉस्क, आई गो टू होम, आई गो टू सिनेमा. तो ये लर्निंग इससे भी होती है. मसलन जो बच्चे होते हैं जब वो नया नया सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख रहे होते हैं तो ये चीज के लिए बड़ी प्रोमिनेंट होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ से लर्निंग शुरू करते हैं. उसमें वो जो लर्निंग है वो उसमें बिल्कुल क्लियर सामने आती है. वो किस तरह आती है कि वो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर देखता है कि उसको समझ आ गई कि ये जब मैंने खाना खाना है तो मैंने कहना है कि मैंने खाना खाना है. अब फिर वो उसको लगेगा अच्छा खाने की जगह कुछ भी लगा दो जो चीज पसंद की है, मैंने बनाना खाना है, मैंने दही खाना है, मैंने एप्पल खाना है, मैंने बर्गर खाना है. फिर वो रिप्लेस करना शुरू कर देगा प्रोनाउंस को, मैं की जगह तुमने बर्गर खाना है, तुमने एप्पल खाना है, फिर खाने को रिप्लेस करना चाहिए, तो मैंने पानी पीना है, मैंने दूध पीना है, ये है वो चेन चॉइस रिलेशनशिप कि आप वर्ड्स के अंदर या उस कैटेगरीज के अंदर चॉइस यानी चेन रिलेशनशिप है सिंटैग्मेटिक। और यूं जो ऑर्डर में हम देखेंगे कि आई की जगह वी भी लगा सकते हैं, वी की जगह यू लगा सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन है चॉइस रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक। सो डायक्रॉनिक जहां भी आएगा यू शुड नो कि दिस इज टॉक अबाउट हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री की बात हो रही है। Synchronic means point of time, diachronic means through time। अगर हम कहते हैं कि diachronic study of English language, तो ये वो थी जो हम कर रहे थे कि हमने देखा पहले Old English period यानी West Germanic language, West Germanic और कुछ languages के influence से Old English बनी। Old English में जब Anglo-Norman English, Norman French मिली, Middle English बन गई, तो आगे हम देखेंगे वो change कैसे आ रहा है। तो ये historically हम देख रहे हैं that is diachronic। थ्रू हिस्ट्री कैसे कर सकते हैं कि मैं कहूं कि अच्छा जी मैं मेरी यानी एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मेरे दादाबू की जो नस्ल थी और यानी उन यानी इस समय आप यूं ले लें कि उनके हवाले से तब से लेके अब तक किस हद तक हमारी लैंग्वेज के अंदर चेंज देखा है मैंने हिस्टोरिकली। मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री आपने शुरू से करनी है, कहीं भी किसी भी एक पीरियड से आज तक। मैं कहता हूँ 1947 के बाद पाकिस्तान में जो लैंग्वेज चेंज आया उर्दू में वो कैसा आया, ये भी डायक्रॉनिक स्टडी है। सिंक्रोनिक स्टडी क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं आज के दिन में ले लेता हूँ कि ओके जी हमारे तो सोसाइटी में मेल और फीमेल्स की लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, या हमारे पास इस वक्त जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं उनकी जुबान में कितना फर्क है, या जो इंटरनेट की लैंग्वेज है मैच्योर पीपल की और इमैच्योर पीपल की उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, या अमेरिकन और इंग्लिश एक्सेंट में कितना डिफरेंस है, इंडियन और इंग्लिश एक्सेंट में कितना डिफरेंस है। ये जो चीज है जो कि हम एक ही पीरियड ऑफ टाइम के अंदर डिस्कस करें दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनिक स्टडी। तो ये सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इससे डील करती है जो कि लैंग्वेज में एक ही पॉइंट ऑफ टाइम के हवाले से मुख्तलिफ चीजों को देखती है। डायक्रॉनिक जो है वो थ्रू हिस्ट्री देखती है। जिस तरह मेरा एक थीसिस था एम्फिल का जो स्पेलिंग्स के ऊपर था कि हाउ द स्पेलिंग्स चेंज ओवर द टाइम, सो दैट वाज अ डायक्रॉनिक स्टडी कि शुरू से लेके इंग्लिश लैंग्वेज की इब्तिदा से आज तक स्पेलिंग चेंज कैसे हुए, सो दैट वाज अ डायक्रॉनिक स्टडी। इसी चीज के ऊपर जो चॉम्स्की था, चॉम्स्की ने अपना वो लैंग और पैरोल के ऊपर उसने अपना एक फॉर्मूला दिया दैट वाज कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। ऑलमोस्ट इट इज लाइक लैंग एंड पैरोल के कॉम्पिटेंस क्या है, वो लैंग्वेज को परफॉर्म करने की जो एक एबिलिटी है, जो एक माइंड में उसकी परफेक्शन है कि आपको 12 टेंस आते हैं तो परफॉर्मेंस के आप बहुत अच्छी इंग्लिश लिख सकते हो या बोल सकते हो, आपको नहीं आते तो आप नहीं कर सकते। तो जो कॉम्पिटेंस है बेसिकली दैट इज द एबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस इज योर एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज, the actual use of that set of skills। Yes, computer RAM and processor उनकी जो synchronization होती है, हम कहते हैं जी ये चीजें आपस में synchronize नहीं कर रही, it means कि वो आपस में एक time पे एक दूसरे के साथ मिलके चल नहीं पा रही। इकरा ये जो है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है that is available, आप वो देख लीजिएगा। So अब इसमें जो मटेरियल आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज देता हूं दैट इंक्लूड्स एमसीक्यूज जिनको आप डिटेल स्टडी कर लो। कल के लिए हम करेंगे रेप ऑफ द लॉक, उसके साथ हमारी होगी रिनेसेंस की एज को देखेंगे और लिंग्विस्टिक्स में साउंड पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज। तो ये 3 चीजें हमारी कल के लिए। सो लेट मी फर्स्ट सेंड यू द मटेरियल। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, मैंने बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी करनी थी और शायद आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू बिकॉज आई एम आल्सो एनरोल्ड इन योर स्पोकन क्लास। तो सिर्फ एक दिन का जो है दोनों क्लासेस में इशू आ रहा है, सिर्फ एक दिन का। तो मैं बाकी मेंबर्स से भी जो है रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोऑपरेट करें, और अगर आपके लिए भी पॉसिबल है तो आप काइंडली वो जो एक दिन का स्पोकन में और जो लिटरेचर में क्लैश है उसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ द मेंबर्स। ओके जी, ऑल ऑफ यू, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। जिससे ये कह रही हैं उनके कहने का ये मतलब है कि जो हमारी थर्सडे की क्लास है, सॉरी वेंसडे की क्लास है, वेंसडे की क्लास जो हमारी 8 बजे होती है वो 9 बजे अगर हो जाए, यानी जो 8 से 9:30 होती है वो 9 से 10:30 हो जाए। सो ये उनकी रिक्वेस्ट है। सो आप लोग जो हैं अगर आप यस और नो में बता देंगे तो आपको थोड़ा सा ये काइंडली मेरी जो है ना आप ये अगर इसमें ज़्यादातर लोग एग्री कर जाते हैं तो आई विल बी थैंकफुल, क्योंकि ये इनका प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में ये 2-3 लोगों का प्रॉब्लम है। जी, तो होप्स हो कि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे उनको भी एडवांटेज बेनिफिट होगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स यू हैव नो प्रॉब्लम। हेलो सर, एम आई आप लोगों जी 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 यस फॉर ऑडिबल। सर एक सजेशन थी, इफ इट इज लाइक कन्वीनियंट टू। जी जी बताएं सर के मोस्टली पाकिस्तान के पार्ट्स में ईशा की नमाज होती है 8:15 होती है या 8:30 होती है। आप अगर ये डिस्कस हो, अगर पॉसिबल हो और सारे ग्रुप मेंबर्स स्टूडेंट्स एग्री करें और आपके लिए भी कन्वीनियंट हो तो काइंडली इसको ना 9 बजे ही रख दिया जाए, अगर सबके लिए फिजिबल हो। अदरवाइज इट्स ओके, ताकि सारे लोग ईशा की नमाज पढ़ के फ्री हो जाएं तो हम आराम से क्लास अटेंड कर लिया करें। अच्छा, उसमें पता क्या इशू है? उसमें ये इशू है कि ईशा का तो हमारे पास टाइम बड़ा लंबा चौड़ा होता है, और सेकेंडली पहले जब क्लास मैंने अनाउंस की थी तो मैंने 9 बजे के बाद ही की थी, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे उसको नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लेट हो जाता था। लेकिन स्टिल चले, मेरी थोड़ी सी तकलीफ मेरे लिए बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप लोग उस पर एग्री करते तो मुझे ज़ाती तौर पर कोई एतराज़ नहीं है। सर वोटिंग करवा लेते हैं स्टूडेंट से, उनको ओपिनियन लेते हैं, अगर मेजॉरिटी जिस तरफ होगी उस तरह ही कर लेंगे। ओके जी, मैंने आपको ये आपके भेज दिए हैं, और अगर आप वोटिंग कराना चाह रहे हैं चले जी। एक तो चीज हमारी सेटल हो गई कि थर्सडे वाले दिन हम यानी 9 बजे मिलेंगे, ठीक है? सिर्फ एक बुध वाले दिन, सॉरी। अच्छा, अब देखें 8 o'clock पे सारे राजी हैं? सो आई गेस हमें 8 o'clock ही चलने देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इश्यूज होते हैं, फैमिली मजबूरी, मैरिज हैं, कुछ लोग बिजी होते हैं। सो वो इसमें ऑलरेडी ये भी हमारा टाइम लेट है। सो अगर आप इन सारे लोगों की बात करोगे तो कसम से सवाब आपको मिलेगा कि आपने अपनी से पूरी नीयत से बात की, लेकिन वो मेजॉरिटी को नहीं हुआ, लेकिन आपको सवाब उसका मिल गया। वैसे अजान जो है ना, मेरे ख्याल में ये लाहौर में जो इशा हमारे पास हो रही है वो 7:30 के बाद हो जाती है। मैंने तो आज जल्दी तो नहीं पढ़ ली। 7:26 टाइम है, 7:26 टाइम है, आप तो बाजमात भी पढ़ो तो आप जल्दी पढ़ सकते हो। कितना कोई फर्क होगा, 10 मिनट का फर्क होगा। ओके जी, लाइक आई लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, मैं पहले करना भूल गया था।